भारत के असम राज्य के कामाख्या मंदिर के बाद दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में विख्यात मां छिन्नमस्तिके मंदिर। यह मंदिर मनोकामना मंदिर के नाम से भी विख्यात है। छिन्नमस्तिके मंदिर झारखंड के रजप्पा में स्थापित है। रामगढ़ से इसकी दूरी लगभग 28 किलोमीटर है। आइए आपको इस मंदिर के अंदर के दर्शन करवाते हैं और अवगत करवाते हैं इस मंदिर से जुड़े अनोखे रहस्यों से। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, इस मंदिर में स्थापित माता की प्रतिमा में उनका कटा सिर उन्हीं के हाथों में है और उनकी गर्दन से रक्त की धारा प्रवाहित होती हुई नजर आती है, जो कि दोनों ओर खड़ी दोनों सहायिकाओं के मुंह में जाती है और एक धार उनके स्वयं के मुख पर गिरती हुई नजर आती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माँ भगवती अपनी सहेलियां जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई थी। कथा के अनुसार स्नान करने के बाद भूख से उनका शरीर काला पड़ने लगा था। सहेलियां भोजन मांगने लगी। इस पर माँ भगवती ने उनसे कुछ प्रतीक्षा करने को कहा, लेकिन उनकी सहेलियां भूख से तड़पने लगी। सहेलियों का तड़प उनसे देखा नहीं गया और उनकी भूख मिटाने के लिए माँ ने अपना सिर काट दिया। कटा सिर देवी के हाथ में था और गले से खून की तीन धाराएं निकली। माँ ने खून की दो धाराओं को अपनी सहेलियों की ओर प्रवाहित किया। तभी से छिन्नमस्तिके कही जाने वाली, यानी कि यहाँ पर माता का सिर छिन्न दिखाई देता है। पुराणों में रजरप्पा मंदिर का उल्लेख शक्तिपीठ के रूप में मिलता है। छिन्नमस्तिके मंदिर के अलावा महाकाली मंदिर, सूर्य मंदिर, दश महाविद्या मंदिर, बाबा धाम मंदिर, बजरंगबली मंदिर, शंकर मंदिर और विराट रूप मंदिर के नाम से कुल 7 मंदिर स्थापित है। माँ के इस मंदिर को प्रचंड चंडी के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पर अष्टामंत्रिका और दक्षिणकाली प्रमुख है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान को माँ का अंतिम विश्राम स्थल भी माना गया है। यहाँ पर कतार से बने महाविद्या मंदिर इसको और रहस्यमय बना देता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक बोलिए जय माता दी।